नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लव जिहाद, धर्मांतरण और बढ़ती जनसंख्या जैसे मुद्दों को लेकर भारत रक्षा मंच के प्रतिनिधिमंडल शनिवार को राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन से मिलने राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन से उन्होंने बातचीत की और राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन भी दिया। राज्य में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों की बढ़ोतरी को लेकर भारत रक्षा मंच के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि इन दिनों राज्य में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे राज्य की बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जी। आज हम लोगों ने भारत रक्षा मंच के हम लोगों के संगठन के माध्यम से अपने आदरणीय भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय सूर्यकांत केलकर जी के साथ हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से मुलाकात की और झारखंड ही नहीं राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी काफ़ी लंबी बात और चर्चा हुई। झारखंड में जिस तरह से लव जिहाद, धर्मांतरण और आए दिन बलात्कार और हत्याएं जैसी जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, इस विषय को हम लोगों ने रखा और देश में जो घुसपैठी आए दिन जो है भिन्न भिन्न राज्यों में और हमारे झारखंड में घुसपैठी राज्य के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने की हम लोगों ने मांग की है। सरकार को पूर्णतः हम लोगों ने घेरने का काम किया है और राज्यपाल महोदय को इस बात से अवगत कराए हैं कि हम लोग के राज्य में महिलाएं सुरक्षित रही हैं, हमारे राज्य में लव जिहाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारे राज्य में धर्मांतरण तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर के हम लोगों ने 5 सूत्री मांगों के साथ उनसे मिलकर अपनी मांगों को रखने का काम किया है।